और इसके काटने के बाद से कहीं भी आप भूल कर भी किसी तांत्रिक के पास नहीं जाइए। सोने की पहले अपने बिस्तर को अच्छा से साफ कर ले। इन सांपों का प्रजनन क्रिया चल रहा है। और आराम से बाबू हट जाओ ना, मिस्टेक से जरूर लिया ना। हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, अभी हम हैं अपने गोपालगंज से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर कोन्हवा दक्षिण टोला गांव में। देखिए, ये इंडियन साइलेंट किलर है, इसको हिंदी में हम लोग करेज सांप कहते हैं। देखिए, ये न्यूरोटॉक्सिन का वेनमस स्नेक होता है। इसमें जो जहर यानी वेनम पाया जाता है वो न्यूरोटॉक्सिन पाया जाता है। जब ये किसी इंसान को काटता है तो काटने के बाद से इसका जो काटने के बाद से शरीर में लक्षण उत्पन्न होता है वो इस प्रकार है। जैसे कि जब एक बाइट करेगा तो प्यास लगेगा, नींद, गला सूखना, पेट में दर्द और उल्टी आना, इस सांप के काटने के बाद से ये लक्षण एकदम ये ऊपर होगा। दूसरी बात, ये अधिकतर बिस्तर में चढ़कर काटता है, यानी कि जब भी इसका बाइट आता है तो बिस्तर में ही आता है। इंसान जब बिस्तर में सोया रहता है तो ये बिस्तर में चला जाता है, और जैसे इसके शरीर पर हाथ या पैर चला जाता है या शरीर से दबता है तो तुरंत काट देता है। देखिए, ये लगभग 2 दिनों से कुआं में गिर गया था और काफ़ी ये बड़ा है। देख लीजिए, ये काफ़ी बड़ा है। और ये सांप खाता है, चूहा को खाता है। इसका ज़्यादा जो मुख्य भोजन है वो सांप और चूहा है, और घर में जो आता है वो छिपकली की फ्रैक में जाता है। देख लीजिए जैसे ये चलता है। तो दोस्तों, ये कोबरे सांप की तरह अटैक नहीं करता है, ये साइलेंट किलर। इसको इसलिए कहते हैं कि बहुत ये शांत रहता है और शांत रहकर ये तुरंत वार करता है, इसीलिए इसे साइलेंट किलर कहते हैं। देखिए, ये काफ़ी ये बड़ा है और साइलेंट किलर की जो साइज है लगभग इतना ही बड़ा होता है, ज़्यादा ये बड़े नहीं होते हैं, लेकिन ये काफ़ी ये बड़ा है। देख लीजिए। तो दोस्तों, अभी इन सांपों का प्रजनन क्रिया चल रहा है, और ये सांप घर के अंदर मेटिंग करने के दौरान ही घर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, और जब इसके शरीर पर हाथ या पैर चला जाता है या ऐसा दबता है तो तुरंत ये काटता है। देखिए, तो दोस्तों, इसके काटने के बाद से आप लोग किसी भी तांत्रिक झाड़ फूक के चक्कर में ना पड़े। हाँ, अगर वैसा कोई व्यक्ति है कि इसके काटने के बाद से झाड़ फूक कर ठीक कर देगा तो ये संभव नहीं है। अगर आपके नज़र में कोई ऐसा आदमी है, इंसान है कि जो इन सांपों का काटा हुआ झाड़ पट्टी कर दे, तो दोस्तों आप ज़रूर उनसे मुलाकात कराइए। कोई भी सांप हो, चाहे करैत हो या कोबरा हो, कोई भी जहरीला सांप काटता है तो आप डायरेक्ट जो जीरे का अस्पताल होता है वहाँ पर जाइएगा। एंटी वेनम मिलता है, एंटी वेनम से ही आपका प्राण बच सकता है, ना कि किसी तांत्रिक से। ये सिर्फ अंधविश्वास के चक्कर में पड़ेंगे तो मौत निश्चित है। और ये देखकर आप अपने घर पर बिल्कुल ट्राई ना करें, क्योंकि अगर ऐसा करते हैं तो सावधानी हटी दुर्घटना घटी, और मालूम है कि दुर्घटना घटने के बाद से पूरी सब्जी बटती है। तो इन सांपों से सतर्क रहें। और देखिए, ये पेट में अपना अंडा को बनाने के लिए ज़्यादा अधिकतर सांपों को ही खाता है। छोटे छोटे जो सांप होते हैं उसको ये खा जाता है। देखिए, इसे खतरा महसूस हो रहा है, इसीलिए अपने जीभ को बार बार। तो दोस्तों, एक ऐसा ये सांप होता है कि अगर इसको ऐसे रखा जाता है हाथों में या स्टिक के ही सारे रखा जाता है तो तुरंत ये खड़ा हो जाता है, और खड़ा होकर काटने के फिराक में रहता है। तो दोस्तों, ये शांत स्वभाव का होता है लेकिन काटने में माहिर होता है, और इसके काटने के बाद से कहीं भी आप भूल कर भी किसी तांत्रिक के पास नहीं जाइएगा, क्योंकि अगर ऐसा जाएंगे तो आपकी प्राण नहीं बच सकता है। डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाइए, और जैसे सिम्टम आपके अंदर उत्पन्न हो रहा है वैसे बताइए, तब आपको एंटी वेनम लगेगा या एंटी सीरम, उसी से आप बच सकते हैं, ना कि झाड़ फूक से। कोई भी सांप काटता है तो आप झाड़ फूक के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े, और सोने की पहले अपने बिस्तर को अच्छा से साफ कर ले। और बारिश का सीजन चल रहा है, रात्रि में निकले
टॉर्च लेकर ही निकले। तो चलिए दोस्तों इंतजार करिए समाप्त होगी, इसे हम डब्बे के अंदर रखते हैं और फिर ले जाकर इसको करवा से जंगल में रिलीज कर दिया जाएगा। तो इसको हम डब्बे के अंदर पैक कर दिए और इसमें ऑलरेडी ऑक्सीजन के लिए बना दिया गया है। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ इन बेजुबान जीवों को बचाते हुए आपसे किसी दूसरे वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।